आज हम आए हैं मराठा मोहल्ला, ये रेलवे स्टेशन के बैक साइड पे सटा हुआ एक झुग्गी झोंपड़ियों का मोहल्ला है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से जो झोंपड़ियाँ बनी हुई हैं यहाँ पर। और आज हम यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि हम इन लोगों से बात करना चाहते हैं क्या मुश्किलात आ रही हैं, जिस प्रकार से देश भर को 21 दिन के लिए कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया गया है। क्या इन लोगों को यहाँ पर खाने की सुविधा है, क्या इन लोगों को मुश्किलात आ रही है, उसी को जानने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। कुछ संस्थाएं भी यहाँ पर आ रही हैं जो इनको अवेयर कर रही हैं कि किस प्रकार से कोरोना वायरस का जो खतरा है उससे बचा जा सके, और इन लोगों की कुछ जो ज़रूरतें हैं उनको भी पूरा करने के लिए यहाँ कोशिश की जा रही है। अभी हम जो है वो बात करेंगे कुछ लोगों से जो यहाँ पर हैं। आप बताओ, आपको यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है? बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा और आप देखेंगे पूरा लॉकडाउन है, क्या सिचुएशन है, क्या मुश्किलात है आपकी? खाने पीने का मुश्किल आ रहा है और कुछ सामान नहीं है घर में, छोटे छोटे बच्चे हैं और क्या। कितने लोग हैं आप पूरे घर पे? हम लोग 11 लोग हैं। तो क्या करते हैं आपके पापा? दिहाड़ी करते हैं। तो अब जिस प्रकार से दिहाड़ी वगैरह बंद हो गई है, अब कितना मुश्किल आता है खाने वाने को आपको और बाकी चीज़ों को लेके, कितनी मुश्किल है? बहुत ज़्यादा मुश्किल है हमें। क्या कहना चाहते हैं सरकार से? सरकार से कहना चाहते हैं कि हमें ला के इधर कुछ ना कुछ दे जाए। क्या कोई यहाँ पर आगे पीछे जब आप लोग जाते हैं, क्या जाने दिया जा रहा है यहाँ पे? कोई बाहर आपको कोई चीज़ अगर लेने जाना हो, क्या आपको जाने दिया जाता है आराम से? नहीं, पुलिस वाले मार रहे हैं कि कहीं ना जाए बाहर, एक से दो लोग कहीं भी आ जा नहीं सकते हैं। तो आपका कहने का है कि खाने वाने की ज़्यादा समस्या है आपको, है? तो अभी हम कुछ लोगों से और भी बात करेंगे। ये एक छोटी सी बच्ची थी जिसने कहा इनको खाने को लेकर बहुत ही प्रॉब्लम है, क्योंकि इनके फादर जो हैं वो दिहाड़ी लगाते हैं तभी जाकर जो है इनका घर चलता है। मगर जिस प्रकार से आज तीसरा दिन है लॉकडाउन का और 3 दिनों से इनके घर में जो है किसी भी प्रकार से, इनका कहना है कि पैसा नहीं आया है, उस वजह से इनके पास खाने की जो है वो समस्या बनी हुई है। अभी हम कुछ और लोगों से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे, जानेंगे क्या है ग्राउंड रियलिटी। और जिस प्रकार से सरकार के दावे हैं कि वो घर घर जाके राशन वगैरह जो है वो दे रही है, उसको ज़मीनी सतह पे कितना उसका असर है हम आपको अभी दिखाएंगे। क्या करते हो आप? दिहाड़ी करता हूँ। आप बताओ, जिस प्रकार से आज तीसरा दिन है बंद का और आप लोगों को कितनी मुश्किल आ रही है? बहुत मुश्किल है खाने पीने का। अच्छा, सब गरीब है। तो आप मुझे बताइए, क्या आप लोगों को कोई अवेयरनेस है कि जिस प्रकार से मास्क वगैरह आप, मैं देख रहा हूँ, मैक्सिमम नहीं पहने हैं, क्या आप लोगों को क्या पता नहीं है बीमारी एक महामारी फैली हुई? पता है, मास्क अभी खोल के रखा हूँ। नहीं, बच्चों को भी मैं देख रहा हूँ कि मैक्सिमम बच्चों, किसी के पास कोई कपड़ा नहीं है कोई डालने, क्या वजूहत कि आपके पास है नहीं या आप लोग अवेयर है? नहीं, हम लोग गरीब आदमी है जो खाने पीने का बहुत मुश्किल है। अभी पूरा कर्फ्यू लगा हुआ, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पूरा करेंगे? अभी दिहाड़ी बंदा है, जो दिहाड़ी कमाते हो खा लेता है। अभी 2-4 दिन सब बच्चों को खाना भी कम है। सरकार कह रही है कि हम घर घर जाके खाना देंगे, राशन देंगे, क्या आपको लगता है कि वो कुछ अभी ज़मीनी सतह पर ऐसा हो रहा है? हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, वो इनका मर्जी। आप लोगों तक ऐसा कुछ पहुंचा है? नहीं पहुंचा है। जोर से बोलना, क्या नाम? रफा। रफा, क्या कहना चाहोगे? किसने सामान दिया, कितने दिन से बंद हो और क्या परेशानी आ रही है? हमारा बच्चा जब आज 5-6 दिन से भूखा है, जब खाने जब कुछ नहीं मिल रहा था, इसलिए आप लोग थोड़ा मेहरबानी किया हमारे को,
फिर दो तीन दिन चलेगा हमारे को, जो आटा दिया 5 किलो जो वो चलेगा। तो हमारे साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं एक संस्था है जो यहाँ इन गरीब लोगों को यहाँ स्लम्स में आकर जो है राशन वगैरह, कुछ मास्क, कुछ यहाँ पर आकर जो है उन लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं और सैनिटाइज़ भी कर रहे हैं एरिया, ताकि ये एरिया जो है वो कोरोना वायरस की महामारी से बच सके। सर आप बताइए, जो आप लोग यहाँ पर दे रहे हैं क्या क्या दे रहे हैं? सर यहाँ पर आटा और जो खाने पीने का सामान है, जितनी हमारी कैपेसिटी बनती है उतना हम दे रहे हैं इनको, आटा, चीनी, दूध, पत्ती और प्याज, तेल, सरसों का। जिस प्रकार से सरकार कह रही थी कि वो घर घर जाके देंगे, क्या लगता है आप लोगों को कि इतना मुश्किल है, कितना मुश्किल है इतनी आबादी को, हर घर को राशन पहुंचाना? सरकार के लिए तो मुश्किल, जहां जहां गवर्नमेंट कर रही है, क्योंकि हमारा भी, हम इस देश के वासी हैं, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम लोगों को जितना हमसे हो सके कि हम इनको प्रोवाइड करें। और मेरी अपील ये दुकानदारों से भी है कि जो अपना कुछ दुकानदारों ने जो इस देश में महामारी फैली हुई है उसका निजायज फ़ायदा उठा रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि अगर आप किसी चीज़ के ऊपर 10 रुपये कमा रहे हैं, उसमें से कम ज़्यादा नहीं 5 रुपये या 3 रुपये इस लोगों की सहायता में लगाएँ। सर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ आप लोग यहाँ पे एरिया सैनिटाइज भी कर रहे हैं, साफ़ सफाई का भी ध्यान रख रहे हैं, इसके अलावा आपको क्या लगता है कि इन लोगों को कितनी अवेयरनेस की ज़रूरत है, ताकि ये लोग, मैं मैक्सिमम जितने देख रहा हूँ 90% में किसी ने खास मास्क वगैरह नहीं पहना है? सर देखिए, एक तो दिहाड़ीदार, ऊपर से मार्केट में मास्क की ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, मिल नहीं रहा, ऊपर से 50 रुपये से कम ये जो मास्क मैंने पहना हुआ 50 रुपये कम नहीं है। हम एक सफाई कर्मचारी हैं, सफाई का भी काम कर रहे हैं, और दूसरी मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि जो मास्क हैं कम से कम, गवर्नमेंट राशन तो दे रही है लेकिन मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर भी प्रोवाइड करें, और जो हमसे बन पड़ता है हम भी कर रहे हैं, और देश जो यहाँ पे जम्मू लोगों को, जम्मू निवासियों को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि कम से कम आपके घरों में जो मेड काम करती हैं, जो उनके पास जो गरीब लोग रह रहे हैं, एक दिन में हम 3 बार खाना खाते हैं, अगर हम एक टाइम का खाना छोड़कर हम उनको दें तो उनकी भी सहायता होगी, तो हम भी अपनी सहायता कर सकते हैं। बहुत बढ़िया आपने सजेशन दिया। सर आपसे भी मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से इस समय देश एक बड़े खतरे से निपट रहा है, कितनी जिम्मेवारी बनती है एक आम शहरी की? मैं अमर मोमन, स्टेट प्रेसिडेंट सहारा क्रिश्चियन यूथ। आज हमारे कुछ साथी जो हमारे यूथ के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की है क्रिश्चियन कम्युनिटी की ओर से। एक तो इन लोगों की ओर कोई देखता नहीं है, तो हमारे लोगों ने ये एक निर्णय लिया कि क्यों ना ऐसे लोगों के साथ मिला जाए और उनकी जो बस्तियाँ हैं उनको सैनिटाइज किया जाए, क्योंकि इनकी बस्तियों को सैनिटाइज करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग जिस हालात से निकल रहे हैं, जिस हालात में चल रहे हैं, तो ये बड़ी मुश्किल का एक वो सिस्टम है इनका। तो ऐसा है कि हमारी कम्युनिटी ने एक निर्णय लिया कि इन लोगों को जो आज की डेट में इन लोगों को राशन प्रोवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं, इन लोगों को दिहाड़ी नहीं लग रही है, जैसे ये लोग कहीं आगे पीछे नहीं जा पा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो भीख मांग के भी गुजारा कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना कूड़ा करकट जो है, जो प्लास्टिक है, गत्ता, इसको इकट्ठा करके वो काम कर रहे हैं, लेकिन कबाड़ी की दुकान तक नहीं खुल रही है, तो ये लोग कहाँ से खाएँगे। और हमारे कुछ साथियों ने यह निर्णय लिया कि क्यों ना हम लोग ऐसे लोगों के बीच में जाए जो लोग जो राशन है नहीं खरीद सकते हैं, उन लोगों को जो राशन है उनको प्रोवाइड करवा सकें। इसके अलावा सर आप मुझे बताइए, जो आज यहाँ पर लोग आप आए हैं, एक सराहनीय कदम है, क्या आपका मैसेज रहेगा कि बाकी लोग जो हैं वो भी ऐसे लोगों की तरफ ज़्यादा ध्यान दें जो सही डिज़र्व करते हैं, जिनको सहायता होनी चाहिए? बिल्कुल, मैं मीडिया के माध्यम से जितनी भी NGOs है या जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, मैं उन सभी से यही अपील करता हूं, जैसे क्रिश्चियन यूथ ने आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और कुछ कुछ लोगों को
जो राशन है मुहैया करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं सभी से, अपनी जम्मू की आवाम से ये दरख्वास्त करता हूँ कि जो लोग ऐसा कर सकते हैं, जिन लोगों को अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को जो है वो राशन प्रोवाइड करें, ताकि ये लोग भी पेट भर के खाना खा सकें। तो ये देखा आपने, जो एक एनजीओ, जो यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता जो आज आपने देखे यहाँ पर, इन्होंने आज यहाँ पर मराठा मोहल्ला में आकर कुछ लोगों को जो यहाँ पर राशन वगैरह मुहैया करवाया और पूरे एरियाज़ को सैनिटाइज भी किया। इसके अलावा लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं कि वो जो महामारी जैसी सिचुएशन है कोरोना वायरस की, उससे बच सकें। कुछ और भी हमारे साथ यहाँ के लोग हैं जो एनजीओ से जुड़े हुए हैं, जो एक कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, वो बाहर आ रहे हैं। सर आप बताइए, कितना ज़रूरी है पूरे देश को इस समय खड़ा होना, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया, जो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें हैं, वो इस बीमारी के सामने झुक रही हैं। भारत जैसा देश जिसकी एक आबादी आप 1.3 आप करोड़ देखते हैं, कितना ज़रूरी है आम आदमी को इस समय दूसरे आदमी की सपोर्ट करना। मैं लकी जी दा स्टेट प्रेसिडेंट अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ, और आज जो सहारा क्रिश्चियन यूथ ने जो फैसला लिया, हम बिल्कुल उनके समर्थन में हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि लोगों के बीच जाएं, लोगों की हेल्प करें, जहां जो चीज़ प्रोवाइड नहीं हो रही है उनको वो प्रोवाइड कराने की क्षमता करें। तो जो आज सहारा यूथ ने जो अपना निर्णय लिया, जो आज अपनी ताकत दिखाई है, तो हम उस चीज़ को भी सल्यूट करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का जो ध्यान है वो मुलाजमों की तरफ तो है, और हम चाहते हैं कि मुलाजमों की तरफ ध्यान देते देते इन गरीब इंसानों की तरफ, झुग्गी वालों की तरफ भी ध्यान दें, क्योंकि जब से कोरोना वायरस का प्रकोप फैला हुआ है पूरे भारतवर्ष में, तो तब से इन लोगों का भी बेचारों का ना तो दिहाड़ी लग रही है, ना कहीं ये कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं, ना ही कोई काम कर रहे हैं। तो तब से लेकर आज तक इनके घर के जो राशन थे, जो इनके डिब्बे थे, वो खाली हो चुके हैं। तो आज सहारा क्रिश्चियन यूथ की वजह से आज इस कॉलोनी में सैनिटाइज भी किया जा रहा है, और यहाँ पर सफाई की व्यवस्था के साथ इन्होंने कुछ राशन का भी प्रबंध किया है। तो जो राशन है, जितना हो सकेगा हम लोगों से, हम मिलकर ये राशन उन सबको प्रोवाइड करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि जो बाकी की संस्थाएं हैं वो भी ऐसे ही सामने आए और अपना अपना जो योगदान है वो गरीबों के लिए दें। तो हमने आपसे मुलाकात करवाई, यहाँ पर जो संस्था के कुछ लोग थे जो सामने आकर जिन गरीब लोगों की सहायता के लिए आए, इसके अलावा हमने लोगों से भी बात कराई कि किस प्रकार की समस्याएँ उनको यहाँ पर झेलनी पड़ रही हैं। इसके साथ साथ हम आपको और भी शहर की अपडेट्स करते रहेंगे। तब तक आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।